वंचित भस्म और राज्य के नगर पंचायत में रोजगार गारंटी योजना के काम शुरू करने की मांग को लेकर भंडारा जिले के लाखांदूर में महाराष्ट्र युवक किसान संगठन की ओर से हजारों किसान तथा मजदूरों का मोर्चा भी निकाला गया। महाराष्ट्र युवा किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रियंका बोरकर के नेतृत्व में निकाला यह मोर्चा बाजार समिति शुरू होकर तहसील कार्यालय पहुंचा। तहसीलदार को निवेदन देने के बाद स्थानीय बस स्टैंड के सामने विविध मांगों को लेकर आमदन अनशन शुरू कर दिया। राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल, सांसद मनुकर कुकड़े ने भी अनशनकारियों को भेंट कर निवेदन स्वीकार। महाराष्ट्र युवक किसान संगठन लाखांदूर की ओर से किसानों की और किसान मजदूरों की विविध मांगों को लेकर यहाँ बहुत बड़ा मोर्चा निकाला गया। हजारों की तादाद में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्शाई। खास करके अन्ना हजारे अनशन करके किसानों की और खास करके आम आदमी की जो दिशा भूल कर रहे हैं, बार बार उपोषण करके किसानों के बारे में या फिर लोकपाल बिल के बारे में उनके अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला, इस विरोध में भी इस मोर्चे के अंदर प्रमुखता से मांग की गई है। आइए हम खास करके जो क्या मांगी थी और क्या चर्चा मतलब मोर्चे की तरफ से क्या मांग की गई, इसके बारे में महाराष्ट्र युवक किसान संगठन के संस्थापक अध्यक्ष प्रियंक बोरकर जी हमारे साथ में, आइए हम उनसे बात करते हैं। प्रियंक जी, मुझे बताइए कि आप जो आमरण अनशन के लिए बैठे हो जी, इस आमरण अनशन के माध्यम से आपकी प्रमुखता से क्या मांगे हैं? देखिए, हम दो मांगे लेकर सरकार के सामने ये उपोषण लेके बैठे हैं।
प्रमुखता से दो मांगे हैं जो महाराष्ट्र के किसान को 1750 रुपये का मूल्य दिया जा रहा है पैड़ी के ऊपर, धान के ऊपर, तो वो बढ़ा के जैसे दूसरे राज्य 2500 रुपये के करीबन उनको उनके धान का मूल्य, भात का मूल्य दे रहे हैं, तो उनकी जीडीपी महाराष्ट्र से कम है, तो अदर स्टेट उनके उनके फार्मर को, उनके किसान को अगर 2500 रुपये भाव दे रहे हैं तो महाराष्ट्र की जीडीपी ज़्यादा होने के कारण भी यहाँ के किसानों को 1750 रुपये अगर भाव मिल रहा होगा, अगर एक क्विंटल के पीछे, एक क्विंटल के पीछे अगर 750 रुपये का अगर नुकसान किसान को हो रहा है, तो एक एकड़ के पीछे कुछ तो भी कहीं तो भी अगर ऐसे निकल रहा है कि 10,500 रुपये का नुकसान यहाँ के महाराष्ट्र के किसान का एक एकड़ के पीछे हो रहा है। तो हमारी ये मांग है, पहली मांग। और दूसरी मांग ये हमारी है कि महाराष्ट्र में जितने भी नगर पंचायत है, सब नगर पंचायत में रोजगार हमें योजना के माध्यम से जो कामें निकाली जा रही थी वो कामें पूर्ववत से चालू की जाए, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो नगर पंचायत नए महाराष्ट्र में घोषित हुई है 4 साल 3 साल पहले, तो उनमें से जो रोजगार हमें के काम थे वो निकाल दिए गए, और नगर पंचायत में 50% ज़्यादा लोग एक तो फार्मर या नहीं तो फार्मर की किसानी काम करते हैं। तो इसलिए हमारी ये मांग है, ये दोनों मांगों को लेकर हम कल यानी 5 से 10 हज़ार लोगों का, फार्मर लोगों का एक किसान मार्च निकाले थे, और उस किसान मार्च के जरिए हमने अन्ना हजारे जो 30 जनवरी को अनशन पे बैठ रहे हैं उनका विरोध किया। विरोध इसलिए किया कि हाँ, सब पूरा देश बोल रहा है कि वो दूसरे गांधी है, लेकिन हम इस बात को मानने को तैयार नहीं है। वो दूसरे गांधी ना होकर वो किसान विरोधी काम कर रहे हैं, और एक पक्ष को एक समर्थन करने जैसा एक हेतु उनका दिख रहा है। ये इससे कह रहे हैं कि वो आज तक 2011 से 2018 तक 5 बार किसानों की और जनलोकपाल की मांगों को लेकर अनशन पे बैठे, और 2019 में जनवरी में वो छठवीं बार बैठ रहे। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि अब तक जो वो 5 बार 2011 से किसानों की मांगों को लेकर अनशन पे बैठे हैं, वो 5 अनशन से एक भी किसानों की मांगे पूरी ना हुई, और जनलोकपाल का भी जो विषय है वो तो बहुत गहरा है, फिलहाल मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन उनका जो अनशन है वो किसानों की भलाई के लिए नहीं है, पक्ष के भलाई के लिए है, ऐसे मैं कहना चाहूँगा। जी, गजानन दोनाडकर लाखांदूर सामाजिक कार्यकर्ता बोलतो। मला हे म्हणायचं आहे की पहिल्यांदा ग्रामपंचायत होती, ग्रामपंचायतचं विलीकरण नगरपंचायत झाली, नगरपंचायत झाल्यामुळे येथील महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेचे कामं जे मिळत होते ते कामं बंद झाले आहे, आणि ते कामं बंद झाल्यामुळे आपल्या मजूर लोकांवर, शेतकरी शेतमजुरावर उपासमारीची पाडी आलेली आहे। तरी माझं असं म्हणणं आहे की नगर जेवढ्या नगरपंचायत झाले असतील तेवढ्या नगरपंचायतला महाराष्ट्र रोजगार हमी योजनेची योजना ही लागू करावी, आणि तिथल्या मजुरांना न्याय द्यावा असं माझं म्हणणं आहे। आइए देखते हैं एक झलक अनशन की तरफ। डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।